नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। सच्ची जगन्नाथ पाय रहु नमस्कार अनंत ब्रह्मांड नाथ रूपे जाय जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाई करि चरणे वंद जाति विघ्न नाश अभीष्ट पुर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नाम एव केवलम् कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। सर्वप्रथमे परम आराध्यतम परमहंस कुल चूड़ामणि अतीत पावन अभिन्न नित्यानंद तनु तथा श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर प्रतिष्ठाता आचार्य नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीम श्रील भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी श्रील गुरुदेव अशोक अभय अमृताधार चरण द्वयरे अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करि वैति दर्शन प्रार्थना करे तथा मध्य परम गुरुदेव जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद चरण कमल साष्टांग दंडवत ज्ञापन करि आशीर्वाद प्रार्थना करे अस्मदीय ब्रह्म माध्यव गौड़ीय संप्रदाय समस्त गुरु आचार्य वृंद तथा अन्य आमर तीनोटि सत्संप्रदाय समस्त गुरु आचार्य वृंद चरण कुमार सृष्ट ज्ञापन कर प्रार्थना करे अधुना श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन आचार्य द्वय परम पूज्य पाद दंडी स्वामी भक्ति सौध केशव गोस्वामी महाराज परम पूज्य पाद दंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज चरण प्रार्थना करे मध्य समस्त शिक्षा गुरु त्रिदंडी पाद चरण ज्ञापन प्रार्थना करे उपस्थित ब्रह्मचारी वृंद भक्त वृंद तथा ऑनलाइन माध्यम श्रवण कर समस्त भक्त वृंद को मोर प्रणाम ज्ञापन कर आशीर्वाद प्रार्थना करे इष्टदेव बंधो मोरो नित्यानंद राय इष्टदेव बंधो मोरो नित्यानंद राय चैतन्य कीर्ति सुरे चैतन्य कीर्ति सुरे जहार कृपाय जहार कृपाय सहस्रवंदन बंधो प्रभु बलराम सहस्र वदन बंदो प्रभु बलराम जाहार सहस्र मुखे जाहार
सहस्र मुखे कृष्ण जसोधाम इष्ट देव बंदो मोर नित्यानंद राय इष्ट देव बंदो हरधर महाप्रभु प्रकांड शरीर हरधर महाप्रभु प्रकांड शरीर चैतन्य चंद्रेर जसो मत महाधीर चंद्रेर जसो मत महाधीर इष्ट देव बंद मोर नित्यानंद राय देव बंद मोर আমার নিত্যানন্দ 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 রায় ও নিত্যানন্দ 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 রায় গৌরচন্দ্র 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 রায় ও প্রভুপাদ প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Premanande Hari 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 Guru O Vaishnava ko apar karuna ru ମାନଙ୍କୁ ସତସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେଇଛି ଯାହାକି ଜୀବନର ପରମ ଧନ ଓ ଚରମ ଧନ ସାଧୁସଙ୍ଗ ସାଧୁସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ କହେ ଲଭ ମାତ୍ର ସାଧୁସଙ୍ଗ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହଏ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯଦି ସାଧୁସଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୁଏ ସାଧୁସଙ୍ଗ ସାଧୁସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଲୋଭ ମାତ୍ର ସାଧୁସଙ୍ଗ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୁଏ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମର ସାଧୁସଙ୍ଗ ହୁଏ ଆମର ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଭିତରେ ଜାଗତିକ କାମନା ସହିତ ଆମର ପାରମାର୍ଥିକ କାମନା ଯାହା ଭଗବତ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ପ୍ରାପ୍ତି ତାହା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ହେଲା ସତ୍ ବିଷୟରେ ଯୋଡ଼ି ଆଲୋଚନା ସେ ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧୁ ମେଳରେ ବସି ଯଦି ଅସତ୍ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଅସତ୍ ବସ୍ତୁର ଯୋଡ଼ି ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେ ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗତକାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ
सन्यासी नेवा पे स्थिर कले नित्यानंद प्रभु निकटरे से प्रथमरे निवेदन कले जे तुम्हें अनुमति दियो मु सन्यासी हेबा पे चाहू तुम्हें जानी छो जे आमर ए अवतार रो उद्देश्य कौन एही अवतार रो उद्देश्य हला जे हरिनाम संकीर्तन रो प्रचार एवं प्रेम प्रदान तेणु सन्यास जदि मु ननेबी ताहले एहा संभव नुहे तेणु तुम्हें मते अनुमति दियो। नित्यानंद प्रभु कहिथिले आपण तो स्वयं भगवान आपणकर जहा इच्छा आपण ताहा करिवे मु बा आपणकु विधि बा निषेध कौन कहिबे कर नाही कि कर मु कहिबे कौन आपणकु किंतु आपण सब भक्त मानकु प्रथमे कुहंतु एटु महाप्रभु चलीगला परे नित्यानंद प्रभु मनरे दुख मनरे बहुत पश्चाताप नुहे बहुत ग्लानी होता है नित्यानंद प्रभु मनरे जे आउ महाप्रभु सन्यास नेले जे सन्यास रो जो नीति नियम भगवान है सी सन्यास नियम पालन करिवे। द्वितीय कथा हला महाप्रभु कर विरह रे सची माता अवस्था कौन हम ये दुईटी कथा से चिंता करी करी मूर्छा पड़ी था मूर्छा पड़ी जाऊथिले एवं निरंतर क्रंदन करथिले कांतर बस महाप्रभु आसी मुकुंद कहले गदाधर पंडित को भी कहले समस्ते मना कले प्रथम महाप्रभु जीत तो जीत महाप्रभु जहाँ इच्छा करे तुम इच्छा तुम जहा कर दिन जाऊ न छु एपर समस्त भक्त मान धीरे धीरे सब शुणिले समस्त अन्न जल त्याग करदे महाप्रभु से मानक बुझेले जे तुम्हें मान मोर जन्म जन्म सखा तुम्हे जो अच सब मुठी अच्छी तुम्हें मान सब यही अवतार नुहे पूर्वरे जिते मु अवतार ग्रहण कर समस्त अवतार रे तुम्हें मान मो पार्षद ही बर्तमान भी अच आपरे जो अवतार दुईटी हवा को अच्छी से दुईटी अवतार रे तुम्हें मो साथी रे रहिबो तेणुक तुम दुख कर किसी भी ना तापर सचीमाता जो खबर पाइले सचीमाता भी कांदिले महाप्रभु सचीमाता महाप्रभु तीन टी कथा कहले प्रथम कथा हला जे देख तुमर एत सुंदर मुख चंद्र आ तुम गजेन्द्र गमन मुक्ता फल सदृश दांत सुरंग अधर कमल नयन ये सब मु दर्शन करी मु जो आनंद पाथिली आदि से वंचित हो जी तेल कि दुख मत हे मुझे रूप तुम दर्शन करतीय कथा है तुम जो संकीर्तन कर इच्छा मुझे तुम मना करूनी तुम संकीर्तन कर ये अद्वित आचार्य अच्छा श्रीवास पंडित अच्छा गजाधर पंडित अच्छा नित्यानंद प्रभु अच्छा तुम्हें सहित कीर्तन कर कि घर छाड़ जावाप कहीं चिंता कहीं भावचु एवं चतुर्थ तृतीय कथा है गोटे कथा है जे धर्म बुझाई बाप तुम्हार अवतार तुम्हें धर्म को शिक्षा देवाई जगत में अवतीर्ण हो को धर्म लेखाई जे माँ को परित्याग करद तेणु तुम धर्म जो बुझेपी जो तुम्हें सन्यास ना चाहच या तुम भूल हो तेणुक तुम सन्यासी हो ना आ गोटे कथा है तुम्हार अग्रज बापा आमाय छाड़िया चलिला बैकुंठे तुम्हार बापा गमन करिल कहले तुम बड़ भाई मोर बड़ पुओ विश्वरूप मत न कही ता बापा को न कही कहा न कही अर्धरात उठिला उठी से सन्यास पलिगला तार खबर भी टी पाई ना से कौटी अच्छी कि कौन है आज पर्यटन तार खबर ही पाइली। द्वितीय तुम बापा जगन्नाथ मिश्र सी परलोक गमन कल बड़ पुओ सन्यासी गले मोर स्वामी देह त्याग कले वैकुंठ गमन कले केवल मोर एत दुख थी बाप निमाई मु तुम मुह को देख सब कि भूली जाइए आमे जदि सन्यासी जीव तोर अवस्था कौन हम
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି ତୁମ ବିରହରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଦେଖ ମା, ତୁମେ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ମା, ପୂର୍ବେ ତୁମ ନାଁ ଥିଲା ପୃଷ୍ଣୀ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି, ମୋ ନାଁ ହେଇଥିଲା ପୃଷ୍ଣୀ ଗର୍ଭ, ତାପରେ ତୁମେ ଅଦିତ୍ୟ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଲ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲି ବାମନ ହେଇ, ତାପରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଲ, ତୁମେ ତାପରେ ହେଲ କୌଶଲ୍ୟା, ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଲି ରାମ ଅବତାର ରୂପରେ, ତୁମେ ହେଲ ଦେବହୂତି, ମୁଁ ହେଲି ତୁମର ପୁତ୍ର କପିଳ ଦେବ, ତୁମେ ହେଲ ଦେବକୀ, ମୁଁ ହେଲି ତୁମର ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଏବେ ତୁମେ ହେଇଛ ସଚିଦେବୀ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ନିମାଇ। ମୋର ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଅବତାର ହେବାର ଅଛି, ସେଇ ଅବତାରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ମା ମୋର ମା ହବ, ଜିହ୍ୱା ରୂପୀ ମାତା ତୁମି, ନାମେର ଜନନୀ, ମୋର ଅର୍ଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତି ତମା, ମୋର ଅର୍ଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତି ମାତା ତୁମି ସେ ଧରଣୀ, ମୋର ଅର୍ଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତି, ମୁଁ ଅର୍ଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ନାମ ରୂପରେ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବି, ଆଉ ନାମ ରୂପକ ମୋର ଅବତାରର ମା ହେଲେ ଜିହ୍ୱା, ଜିହ୍ୱାରୁ ନାଁଟା ସୃଷ୍ଟି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଜିହ୍ୱା ଉଲଟିଲେ ତ ନା କୀର୍ତ୍ତନ କହିବ, ତେଣୁ ସେ ଜିହ୍ୱା ହେଲା ମା, ମା ହଉଛ ତୁମେ, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ମାଟି ହଉଛନ୍ତି, ମାଟିରୁ ହିଁ ତ ହଉ, ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯେକୌଣସି ଧାତୁର ବିଗ୍ରହ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ହଉ, ସେ କୋଉଠୁ ତିଆରି ହଉଛି, ମାଟିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ମାଟି ହେଲେ ମା, ତେଣୁକରି ମା ତୁମର ଏ ଦୁଇଟି ଅବତାର ହବ, ତୁମେ ମନା କର ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଗତକାଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କହିଥିଲେ, ତୁମର ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ଠିକ ନୁହେଁ, କାରଣ ମାଆକୁ ମଦ ଛାଡ଼ିଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା ଇଏ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିବା ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ତୁମର ବାଧକ ହଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତୁମେ ତୁମ ମା ପା ତୁମେ ତୁମ ମା ପାଖରେ ରୁହ, ମାଆଙ୍କ ସେବା କର, ଆଉ ମା ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ଭଜନ କର, ତେଣୁ ମୁଁ ପଳେଇବି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ମୁଁ କୌଣସି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନି, ମୁଁ ତ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଭଜନ କଣ କରିବି, ମୁଁ ଏ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରଚାର କରିବି, ଏବଂ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବକୁ ଭାବକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ରାଧାରାଣୀ ବିରହରେ, ମୋ ବିରହରେ ରାଧାରାଣୀ ଯୋଉ ସୁଖ ପାଉଥିଲେ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ରାଧାରାଣୀ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆସ୍ୱାଦନ ଲାଭ କରିପାରୁଥିଲେ, ମୋତେ ଦେଖି ସିଏ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନ ନେବା ଛଡା ଅଲଗା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ବିଧାନ କର, ତୁମେ ମୋତେ ରାଜି ହେଇଯାଅ କହି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଠାକୁରାଣୀ ସେଠି ପ୍ରଣାମ କରି ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ମୋତେ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ଆଜୀବନ, ସେଇ ବିଗ୍ରହ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଯୋଉ ବିଗ୍ରହକୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଧାମେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେ ନବଦ୍ୱୀପ ସହରର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସମାଧି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏବଂ ପୋଡ଼ମା ତାଲା ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଧାମେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ, ଅତି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବିଗ୍ରହ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ବିଗ୍ରହ, ସେ ଜୀବନରେ କମସେ କମ ଥରେ ସେ ଧାମେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପରି କିଛି ଦିନ ପଳେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବେ ବୋଲି, ଆଉ କାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏତିକି କଥା ହେଇଗଲା, କଥା ପରେ ସେ କଥା ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିଛି ଦିନ ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଏଇ ମତ ଅଛେ ନ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱମ୍ବର, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆନନ୍ଦ କରେ ନ ନିରନ୍ତର, ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୟ ମହେଶ୍ୱର କଖନେ କି କରେ, ଈଶ୍ୱରର ମର୍ମ କେହ ବୁଝିତେ ନା ପାରେ, ନିରବଧି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରଙ୍ଗେ, ହରି ସେ ଥାକେ ନ ସର୍ବ ବୈଷ୍ଣବେର ସଙ୍ଗେ।
परानंदे विहल सकल भक्तगण पासरी रहिला सबे प्रभुर गमन सर्ववेदे भावे न जे प्रभुरे देखिते क्रीड़ा करे भक्तगण से प्रभु सहित जेदी न चलिबो प्रभु सन्यास करिते नित्यानंद स्थाने तहा कहिला निवृते जो दिन महाप्रभु सन्यास हेबे से दिन कहा कही ना केवल नित्यानंद प्रभु कहले पूरा साइलेंट ही जाइला लोक भाविले आ महाप्रभु सन्यास हेबे नहीं बोली भितर गोटे दिन चुपकिना नित्यानंद प्रभु कहले पूरा स्थिर कले मु पलि जीवी कल की आज कहीदे सुन सुन नित्यानंद स्वरूप गोसाई एक भांगे सर्वे पंचजन ठाई यही संक्रमण उत्तरा उत्तरायण दिवस निश्चय चलो आम करते सन्यासे उत्तरायण संक्रमण संक्रांति मकर संक्रांति मुझुअली माघ मास शुक्ल पक्ष बोली भूल लेखाई बोधे देखा ये जो मकर संक्रांति जो गला आमर दि दिन तले मकर संक्रांति गला संक्रमण संक्रमण उत्तरायण दिवस संक्रांति मकर संक्रांति दिन चैतन्य महाप्रभु सन्यासी ने बोली स्थिर कले संक्रांति आसंता का संक्रांति संक्रांति भोर भोर मु पड़ी निश्चय चलो आम करते सन्यासे इंद्राणी निकटे काटोया नामे ग्राम तथा अच्छे केशव भारती शुद्ध नाम स्थान स्थान आमार सन्यास सुनिश्चित यही पांच जने मात्र करिबा विदित बोले काटोया नाम गोटे सहर अच्छी ग्राम अच्छी सेठी जन सन्यासी रोचे ना है केशव भारत मुझे निकट सन्यासी नेबी तुम्हें पांच जन कह आ कह का आमार जननी गदाधर ब्रह्मानंद श्रीचंद्र शेखर आचार्य आ मुकुंद पांच जन कह का कह सची माता ब्रह्मानंद पंडित गदाधर पंडित चंद्रशेखर आचार्य आ मुकुंद जी गीत गाते महाप्रभु यही कथा नित्यानंद स्वरूप स्थान कहले न प्रभु इहा केह नाही जाने महाप्रभु एक नित्यानंद प्रभु कहले आउ कौन सी भक्त जान ना अद्वैत आचार्य भी जान ना कि श्रीवास पंडित भी जान ना पंचजन स्थान मात्र एसव कथन कहले न नित्यानंद प्रभुर गमन से दिन प्रभु सर्व वैष्णवेर संगे सर्वदिन गुआईला संकीर्तन रंगे परम आनंदे प्रभु करिला भोजन संध्या करिला गंगा देखिते गमन गंगा नमस्करिया बसिला गंगा तीरे क्षणेक थाकिया पुनः आईले न घरे आसिया बसिला गृहे श्री गौर सुंदर चतुर्दिके बसिले न सब अनुचर से दिने चलिबा प्रभु केह नाही जाने कौतुके आछे न सबे ठाकुरे रसने आज जे रात्र महाप्रभु पलिजे एक कई जानी ना समस्त बस आनंद सब कीर्तन करता सब हूँ महाप्रभु स्थिर कर बसिया आचेन प्रभु कमल लोचन सर्वांगे शोभित माला सुगंधी चंदन जतेक वैष्णव आई सेन देखिवारे सबई चंदन माला लई दुई करे जतेक वैष्णव आई सेन देखिवारे सबई चंदन माला लई दुई करे जेहे सब वैष्णव मान आस महाप्रभु देखापी बोली चंदन आनी फूलमाला भी नहीं आसप्रभु दौन हेन आकर्षण प्रभु करा अपनी केवा कौन दिग हईते आई से ना ही जानी महाप्रभु से दिन एम एपरी आकर्षण कले समस्त भक्त मान से आवदीपुर प्रत्येक भक्त आसप्रभु दर्शन करने फूलमाला चंदन दे प्रत्येक बा नगरिया आई से देखते ब्रह्मादिर शक्ति नाही को लिखिते दंड प्रणाम होया पड़े सर्वजन एक दृष्टि सबई चाहे न श्रीवदन आपन गला रमाला सभा करे दिया आज्ञा करे प्रभु सबे कृष्ण गाओ जाय जो सब आसले समस्त फूलमाला बाबू के फूलमाला पिंधे तेणुक गोटे गोटे फूलमाला बाहर कर गोटे गोटे माला दौरान आज्ञा कर
तुम सब घर को जाओ जा कृष्ण भजन कर, बोल कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु केहो किछु ना भाभी आन। महाप्रभु कहले बोल कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु केहो किछु ना भाभी आन। कृष्ण कर नाम जप कर, कृष्ण कर ना सेवा कर, एवं कृष्ण कर गीत गाओ, कृष्ण बिनु कृष्ण छड़ा अलग कथा किसी हब ना कि अलग कथा किसी चिंता कर किसयने कि भजने कि बाजा गर्णे अहनिश चिंत कृष्ण बल भजने। शयन समय भोजन समय जागरण समय अहर्निश दिन राति कृष्ण को चिंता कर, पाटे कृष्ण को नाम बोल। यही मत शुभ दृष्टि करी सभा कारे उपदेश कही सबे बोले जाओ घरे, यही मत कत जाय कत वा आईसे यो करे नहीं चिने आनंदेते भासे। पूर्ण होला शिविग्रह चंदन मालाय चंद्रे बा कते को शोभा कहने ना जाय। पूर्ण होला शिविग्रह चंदन माला, चंदन आल द्वारा शरीर पूरा पूर्ण हो। महाप्रभु पूर्ण होला शिविग्रह चंदन मालाय चंद्रे बा कते को शोभा कहने ना जाय। प्रसाद पाइया सबे हर शीत हया उच्च हरिध्वनि सबे जाए न करिया। सब भक्त मान जो आसो भक्त क्या चिन्ह पार ना, बहुत भक्त नवद्वीप छोटिया सहर ना बड गाँ बड सहर थी गोटे घाट में लक्ष लोक स्नान करते चिंता करते लोक नए से भक्त आस प्रणाम कर शेषे कौन है ना श्रीधर आऊ भेट देखी हासे एक लाऊ हाते करी श्रीकृति सुकृति श्रीधर हेन ये समय आसी होइला गोचर। श्रीधर किए खेला बेचा श्रीधर जे कि माने जो कदमी मंजा फूल सब बिक्री करते महाप्रभु जाते गंडगोल करते जाए जबर धरी पलि आसते कहे तुम गंगा को पूजा कर तुम लाभ रे आ गंगा किए कि गंगा बाबू गोड़ू बाहर मु तार पिता या कहते सी हूँ श्रीधर को महाप्रभु दर्शन देते आ जो दिन महाप्रभु सन्यासी ने से दिन श्रीधर गोटे लाऊ नहीं कथा पाइला प्रभु जिज्ञासे तहारे कहे एत बड़ लाऊ कौट पाइल निज मने जाने प्रभु काली चलवा यही लाऊ भोजन करते नारिला नारिलाऊ श्रीधर पदार्थ कि हईबे अन्यथा यही लाऊ भोजन आज कर सर्वथा। महाप्रभु जानते सका पल सन्यासी कह लाऊटा तो श्रीधर भक्त जन आंसर लाऊटा को छाड़ जावा ठीक हेनी आज रात रोष हम बहु लोग कहती जे शास्त्र मना कराई लाऊ खाया लाऊ खाइबा मना लाऊ गोटे आमिष बोली कह बहु लोग भाभी ठीक ना। महाप्रभु कहले लाऊ गोटे एपरी पवित्र वस्तु जे लाऊ को आमिष रे मिसेबा अनुचित आमिष जो रोसे कला आमिष तरकार लाऊ पकेबा अनुचित या कह कि लाऊ खाइबा मना नुहे लाऊ लाऊ भोजन महाप्रभु सब लौकी मान क्षीर लाऊरे क्षीर पक ग्रहण करीधर पदार्थ कि हईबे अन्यथा यही लाऊ भोजन आज कर सर्वथा। एतके चिंतिया भक्त बात्सल्य राखीते जनन रे बोलिले न रंधन करते सांगे सांगे महाप्रभु मा कहले कहले मा आज लाऊकीटा रोष कर हे नई समय आर कोनो भाग्यवान दुग्ध भेट आनिया दिले न विद्यवान लाऊ आसी क्षीर मध्य पलि आसला हासिया ठाकुर बोले बड़ भालो भालो दुग्ध लाऊ पाक जाई करह सकाळ संतोषे चलिला सची करिते रंध हेन भक्त बच्छल शिश चीर नंदन एई मते महानंदे वैकुंठ ईश्वर कौतुके आछे निरात्रि द्वितीय प्रहर। द्वितीय प्रहर माने केते राति बारटा द्वितीय रातिर द्वितीय प्रहर प्रहर माने केते घंटा तीन घंटा ना अष्टम प्रहरी आम कौन चबीश घंटा को आठ प्रहर आठटी प्रहर में भाग कराई चबीश डिवाइडेड बै आठ हेल्ले के गोटे गोटे प्रहर को तीन घंटा रात्रि दी प्रहर पर्यटन एपुर सब कथा बार्ता सब चली मानते रात बारटा हो
କ୍ଷୀରରେ ଲୁଣ ପଡିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ହଁ, କ୍ଷୀରରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲେ ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି ଗୋମାଂସ ତୁଲ୍ୟ ସିଏ କ୍ଷୀରରେ। ତାହେଲେ ଲାଉ ତରକାରୀରେ ଆମର କ୍ଷୀର ପକେଇଛନ୍ତି, ପକେଇନଥିବେ ଲୁଣ ପକେଇନଥିବେ, ଲୁଣ ପଡ଼ିନଥିବ। ଆଉ କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଲୁଣ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ କ୍ଷୀର ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଏଇଟା କଣ କରିହବ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ କ୍ଷୀରଟା ପକଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କ୍ଷୀରରେ ଆଉ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲାନି, ଆଉ ଲୁଣରେ କ୍ଷୀର ପଡିଲା। ହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ତ ମାନେ ଚିନି ଲାଉ କଲେ ହବ, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ପଚାରିବା, ଦେଖିବା କାହାକୁ ପଚାରିବା, ଆଉ ଜଣେ ମହାରାଜ ପଚାରିବା। ହେନେ ମତେ ମହାନନ୍ଦେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଈଶ୍ୱର କୌତୁକେ ଆଛେ ନରାତ୍ରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପହର ପ୍ରହର ସଭାରେ ବିଦାୟ ଦିଆ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଭୋଜନେ ବସିଲା ଆସି ତ୍ରିଦଶ ଈଶ୍ୱର ଭୋଜନ କରିଆ ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଶୁଦ୍ଧି କରି ଚଲିଲା ଶୟନ ଘରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀହରି ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିଲା ଈଶ୍ୱର ନିକଟେ ଶୋଇଲା ହରି ଦାସ ଗଦାଧର। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ ଘରକୁ ଯାଇ ଶୟନ କଲେ। ଆଉ ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କିଏ କିଏ, ହରିଦାସ ଠାକୁର ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ। ଆଇ ଜାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କରିବେ ଗମନ ଆଇର ନାହିଁ ନିଦ୍ରା କାନ୍ଦେ ଅନୁକ୍ଷଣ। ସଚୀ ମାତା ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ କହିବ ବୋଲି କାହାକୁ କାହାକୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣକୁ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ, ସଚୀ ମାତା, ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ, ଆଉ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତରୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଖବର ଏମାନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି କୁହା ତୁମେ କାହାକୁ କହିବନି। ଆଉ ତେଣୁ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ପଳେଇଯିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କେବଳ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବସିଛନ୍ତି। ଆଇର ନାହିଁ କ ନିଦ୍ରା କାନ୍ଦେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଦଣ୍ଡ ଚାରି ରାତ୍ରି ଆଛେ ଠାକୁର ଜାନିଆ ଉଠିଲେ ନ ଚଲିବାରେ ନା ସାଘ୍ରାଣ ଲୟା। ରାତି ପାଇବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଚାରି ଦଣ୍ଡ ବାକି ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠିଲେ। ଗଦାଧର ହରିଦାସ ଉଠିଲେ ନ ଜାନି ଗଦାଧର ବୋଲେ ନ ଚଲିବ ସଙ୍ଗେ ଆମି। ଗଦାଧର ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠିଗଲେ, ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ହରିଦାସ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଉଠିଗଲେ, ବୋଲେ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଯିବି ସାଥିରେ। ଗଦାଧର ବୋଲେ ନ ଚଲିବ ସଙ୍ଗେ ଆମି ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ଆମର ନାହିଁ କାରୁ ସଙ୍ଗ ସେ ଆମର ସର୍ବରଙ୍ଗ। ଆଇ ଜାଣିଲେ ନ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁର ଗମନ ଦୁଆରେ ବସିଆ ରହିଲେ ନ ତତକ୍ଷଣ ଜନନୀରେ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଧରିତାନ କର ବସିଆ କହେନ ବହୁ ପ୍ରବୋଧ ଉତ୍ତର। ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ମୁଁ ସାଥିରେ ଯିବି, ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଇଁ ବୋଲି ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ମୁଁ ବି ସାଥିରେ ଯିବି। ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ସବୁ ଛାଡି ଯିବି, ତୁମକୁ ସାଥିରେ ପୁଣି କାହୁ ନେବି, ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ କିଏ ଯାଇବନି, ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଯିବି। ଏଠୁ ମା ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ବସିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ପୁଅ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ଯିବ, ତେଣୁ ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ବସିଛନ୍ତି ମା ସଚୀ ମାତା। ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏହି ଜାଣିଲେ ନା ମାତ୍ର ଆଇ ଜାଣିଲେ ନା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁର ଗମନ ଦୁଆରେ ବସିଆ ରହିଲେ ନ ତତ କ୍ଷଣ ଜନନୀରେ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଧରିତାନ କର ବସିଆ କହେନ ବହୁ ପ୍ରବୋଧ ଉତ୍ତର। ବିସ୍ତର କରିଲା ତୁମି ଆମର ପାଳନ ପଢିଲା ଶୁଣିଲା ତୁମାର କାରଣ ଆପଣାର ତିଲାର୍ଧେ କୋ ନା ଲଇଲା ସୁଖ ଆଜନ୍ମ ଆମର ତୁମି ବାଢ଼ାଇଲା ଭୋଗ ଦଣ୍ଡେ ଦଣ୍ଡେ ଯତ ସ୍ନେହ କରିଲା ଆମାରେ ଆମି କୋଟି କଳ୍ପ ଓ ନାରୀ ବୋ ଶୋଧିବାରେ। ମାଆକୁ ମା ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କେବଳ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇ ମାଆକୁ କହିଲେ, କହିଲେ ମା ତୁମେ ମୋର ବହୁତ ସେବା କରିଛ, ମତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛ, ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ପଢିଛି କି ଆଜି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କେବଳ ତୁମର କୃପାରୁ। ଆପଣାର ତିଳାର୍ଧେକ ନାଲଇଲା ସୁଖ, କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସୁଖ ବିଷୟରେ ତମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନ, ଦିନ ରାତି ମୋର କିପରି ସୁଖ ହବ, ମୋର କିପରି ମଙ୍ଗଳ ହବ, ତମେ ସବୁବେଳେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ତୁମେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପଛେ ମତେ ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ମା ତମେ ଏତେ ମୋର ସେବା କରିଛ,
যদি কোটি কল্পেও দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমারে, গোটিয়ে অল্প সময় যেতিকি মতে তুমি স্নেহ করছ, মু কোটি কল্পরে মধ্যে মা তোমার ঋণ শুঝি পারিবি, কোটি কল্প তুমি সেবা কলে মধ্যে মু তোমার ঋণ শুঝি পারিবি নাহি। দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমারে, আমি কোটি কল্পে ও নারিব শোধিবারে, তোমার প্রসাদ এসে তাহার প্রতিকার, আমি পুনঃ জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার। মা তুমি যদি কৃপা করি মতে সে ঋণরু মুক্ত করিব, যদি মুক্ত করিপারিব, নচেত মোর ঋণ মু তোমার ঋণ কেবে মধ্যে শুঝি পারিবি, যেতি মতে স্নেহ করছো, যেতি সেবা করছো, মু তোমার ঋণ কেবে শুঝি পারিবি নাহি। এপরি এই জন্ম নুহে, জন্মে জন্মরে তুমি মতে বহু সেবা করছ, আর মু জন্ম জন্মরে তোমার ঋণী। শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার, স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহি কে কাহার। মা এ সংসারটা হেলা ঈশ্বরঙ্কর অধীন, দৈব দৌড়ি মনুষ গাই যেণিকি টানিলে সেণিকি যায়। আম সমস্তঙ্কর গোটে গাই নাকরে, যেটা দুষ্ট গাই তা নাকরে গোটে দৌড়ি লগাই থাকছে, সে কেতে দৌড়টা জুয়ার টানিব গাই যাওয়া পাই বাধ্য, কাই বহুত কষ্ট হচ্ছে। ঠিক সেইপরি মনুষ্য হলা গাই সদৃশ, আউ আর পূর্বজন্মর কর্মটা ইয়েলা দৌড়ি সদৃশ, আউ সে দৌড়িটা অছি কা পাখে ভগবান ঈশ্বরঙ্ক হাতে অছি, ভগবান জুয়ার টানুছন্তি আমি সাড়ে আমি তাহা করে বাধ্য হচ্ছু। স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কার, যেতে দিন পর্যন্ত আমার মিশিয়াকু যোগ অছি আমি সেতদিন মিশিবা, তাপরে গোটিয়ে মুহূর্ত মধ্যে গোটিয়ে মিনিট সেকেন্ড মধ্যে অধিক আমি মিশিপারিব, আমার পরস্পর ভিতরে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। শূন্যমাত্রা ঈশ্বরের অধীন সংসার, স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার, সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ, তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত। এ সংসারে যে সংযোগ আর বিয়োগ হচ্ছে, আমার পিতা মাতাঙ্ক সহিত হো কিংবা স্বামী স্ত্রীঙ্ক ভিতরে হো কিংবা মা পুয়া ভিতরে হো কিংবা বাপা পুয়া ভিতরে হো কিংবা আমার বন্ধুমানঙ্ক ভিতরে হো, আমার যে সংযোগ হচ্ছে আর যে বিয়োগ হচ্ছে এটা কি করছে, ঈশ্বরঙ্কর ইচ্ছারে হো, তার ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি আছে, ভগবানঙ্কর ইচ্ছাটা যে কন সে কথা কেহি বুঝিপারিবে নাহি। দিন দশান্তরে বাকি এখন এই আমি চলিলেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি, তা মানে মহাপ্রভুঙ্কর কহিবা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মা যেতে দিন পর্যন্ত মু তুম নিকটে রহিবার কথা মু রহিলি, আজি কিন্তু মু জিবি, আমার কর্মফল সরিল তোমার সাথে রহিবার, বর্তমান মু জিবি, মু আজি যায় কিংবা দশ দিন পরে যায়, তোমার সেথিরে কোন চিন্তা করিবার কারণ নাই। দিন দশান্তরে বাকি এখন এই আমি চলিলেও কোন চিন্তা না করিল তুমি, মু আজি যায় কি দশ দিন পরে যায় তুমি কোন চিন্তা করো নাই। মা ব্যবহার পরমার্থ যতে কো তোমার, সকল আমাতে লাগে এ সব মোর ভার। মা তুমি মতে বড় করিছ এবং মোর ধর্ম হলা মার সেবা করিয়া কথা, মু তোমার সম্পূর্ণ ভার নৌছি, মু এটি রহে কি ন রহে। গোটে পুয়ো যেতবে চাকরি করে বিদেশ রয়েছে, তা মার যদি সে রক্ষণাবেক্ষণ যদি দায়িত্ব নেই পারলা, মাঙ্কর সেবা হয়ে গলা, সে মু তোমার জাগতিক এবং পারমার্থিক, মা তোমার যাহা দরকার রয়ে এই সময় বঞ্চিবা বলি এবং মৃত্যু পরে মতো তোমার যাহা সদগতি আবশ্যক সে সমস্ত দায়িত্ব মতে লাগিলা। মহাপ্রভু কহিল চলিলেও ব্যবহার পরমার্থ যতে কো তোমার, সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার, বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বারবার, তোমার সকল ভার আমার আমার, বুকে হাতরে ছাতি গুলো, মা মু শপথ করে কোছি তোমার সম্পূর্ণ দায়িত্ব মু নেছি, তুমি চিন্তা কর নাই যে তোম পুয়ো তোমাকে কেবে ছাড়ি দেইছি বলি। আর কোন কলে যেদিন দেখিতে তুমি চাহ অনুরাগে, যেদিন দেখিতে তুমি চাহ অনুরাগে, সেই ক্ষণে আমা তুমি দেখিবারে পাবে। সেটি কেবল নুহে,
मत जदि तुम्हें केवे चाहिबो म देखिया पई मु संगे साथ तुम पर पहुंच जी मु चाहे वृंदावन थाए कि पूर थाए कि अलग कोन जगह थाए मु देश विदेश रे किंतु मो शक्ति द्वारा तुम्हें जेतले मते मन पकेबो म देखिया पई बोली मु संगे साथ तुम पाखरे पहुंच जेदिन देखिते तुम्ही चाह अनुरागे अनुराग सहित मत जेबे देखिया पई चाहिबो सेई क्षण आमा तुम्ही देखिबारे पा वर्णना कर महाप्रभु जो महाप्रभु सन्यासी गला सची माता सब कहते रोसे कला समय मो पु शा भल लगुला क्षीर लाउकी भल लगुला महाप्रभु बेस प्रिय शाला आज लाउकी तरकार सुक्त सुक्त मान कौन सुक्त मान कलरा मान पिता है सुक्त से कह सुक्त से महाप्रभु प्रिय सब जिन सची माता रोसे करती पु कथा मन पड़ जाए मन पड़गले कहे आज निमाई थे आज के सुंदर खाई था यह चिंता करने मात्रे चिंता कर ठाकुर घर नहीं बाढ़ुंच ठाकुर भोग लगे बोली विष्णु पाखे लगे समय महाप्रभु आसी कौन करती सब भोजन करते जेहेतु माँ अनुराग स्मरण कर मो पु खाई था सुंदर भाव महाप्रभु आसी भोजन कर दिखती महा सची माता भोग लगे आसी मंत्र स्मरण करती मंत्र स्मरण कर गला समय कबाड़ खोल कौन थाली रे किसी ना सची माता जानी पार ना जे पु आसी खाई बोली भावुंत कौन सी भावले हे मु बोधे बाढ़ी ठाकुर बोधे मुझे पगल पगल चिंता कर थाली फाड़ी धोई पुणी आधे सब प्रसाद आनी पुणी बाड़ी पुणी भोग लगे एपरी महाप्रभु सची माता भावुंत कि महाप्रभु बेले बेले महाप्रभु दर्शन कर दर्शन कले हूँ स्वप्न देख ली बोली कहे निमाई मत ते बहुत देखा इच्छा हो कहे महाप्रभु आस पहुंची जाऊँगी पहुंचे सची माता भावुंत कौन गोटे स्वप्न देख ली जदि न देखते तुम चाह अनुरागे से क्षण आमा तुम देखे पावे बुके हाथ दिया प्रभु बोले बार बार तुमार सकल भार आमारो आमार जत किछु बोले प्रभु सची सब सुने उत्तर ना करे कांदे ओझर नयने महाप्रभु जहाँ कही जाऊंट सची माता मुंड पोती केवल शुणुंट आऊँ आखिर धार 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 ही केवल लुह बाहर पृथ्वी स्वरूप हला सची जगन माता के बुझे कृष्णर अचिंत लीला कथा जननीर पद धूली लई प्रभु सिरे प्रदक्षिण करिताने चलिला सत्वरे माँ का कि महाप्रभु कौन कले माँ को पाद धूल नहीं मस्तक लगेले माँ को चार थर परिक्रमा कले परीक्षा कर पड़े चलिले न वैकुंठ नायक गृह हईते सन्यास करिया सर्व जीव उद्धारिते सुन सुन आरे भाई प्रभुर सन्यास जेकुथा सुनिले सर्व बंध नाश हय नाश प्रभु चलिले न मात्र सची जगन माता जड़ प्राय रहिले न नाही सुरे कथा भक्त सब ना जाने न ए सब वृतांत उस काले स्नान करी जते को महांत प्रभु नमस्करिते आईला प्रभु घरे आसी सबे देखे आई बाहिर दुआरे प्रथम बोलिले न श्रीवास उदार आई केने रही अछ बाहिर दुआर जड़ प्राय आयो आई किचु नासुरे उत्तर नयनेर धार हारा मात्र बहे निरंतर क्षण के बोलिला आई सुन बाप सब विष्णुर द्रव्यर भागी सकल वैष्णव एते के जे किछु द्रव्य माछ ए ताहार तुमा सवाकार हय शास्त्र परचार माँ पदधूलि माँ को परिक्रमा करी महाप्रभु एकाएका सन्यास नेपे चलीगले महाप्रभु चलीगला परे सची माता से घर द्वार ही बसचंती से पथर पाल्टी जाइचंती से किछु कहि पारुनाती आउ केवल लुह आखिरु माने बाहरुची केवल क्रंदन करचंती विरहरे राति पाई जाइछि शेषरे प्रत्येक दिन भली भक्त माने स्नान सारी महाप्रभु को दर्शन करिया पे आछंती आउ श्रीवास पंडित आसी प्रथम श्रीवास पंडित आस देखे सची माता कौन आज बाहर बस माँ सचीदेवी तुम आज बाहर कहीं बस
କହିଲେ ଯେ କହୁନା ଜଡ଼ ପ୍ରାୟ ଆଇ କିଛି ନାକରେ ନାସ୍ପୁରେ ଉତ୍ତର ନୟନର ଧାରା ମାତ୍ର ବହି ନିରନ୍ତର। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ ବାପ ଶୁଣ ବିଷ୍ଣୁର ଦ୍ରବ୍ୟର ଭାଗି ଯେତେ ଆମର ଘରେ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ତମେ ସବୁ ନେଇଯାଅ ନିମାଇତ ପଳେଇଲା କଣ ହବ ଏତେ କେ ତୁମ ରାସବେ ଆପଣ ମିଲିଆ ଯେନ ଇଚ୍ଛା ତେନ କର ମଜା ହୁଁ ଚଲିଆ ଶୁଣି ମାତ୍ର ଭକ୍ତଗଣ ପ୍ରଭୁର ଗମନ ଭୂମିତେ ପଡ଼ିଲା ସବେ ହଇ ଅଚେତ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଦଣ୍ଡବତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ଧଡ଼ ସିନା ପଡ଼ିଯାଏ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରହରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଅନ୍ୟ ସବୈ ସବାର ଧରିଗଲା ବିବିଧ ବିଳାପ ସବେ କରିତେ ଲାଗିଲା କିଦାରୁଣ ନିଶି ପହାଇଲ ଗୋପୀନାଥ ବଲିଆ କାନ୍ଦେ ନ ସବେ ଶିରେ ଦିଆ ହାତ ନା ଦେଖି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ବଞ୍ଚିବ କେମନେ କିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବାର ପାପିଷ୍ଟ ଜୀବନେ। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଆଜି କି ଦାରୁଣ ରାତି ପାଇଲା ଆଜି କି ଦୁଃଖମୟ ରାତି ଆଜି ପାଇଲା ହେ ଭଗବାନ କି କଥା ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାଣଧନ ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ର ମୁହଁକୁ ନ ଦେଖି ଆଉ କଣ ଏ ଜୀବନ ରହିବ। ଆଚମ୍ବିତ କେନେ ହେନ ହୈଲ ବଜ୍ରପାତ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ଯାଅ କେହ କରେ ଆତ୍ମଘାତ କହିଲେ ଏପରି ବଜ୍ରଘାତ ବଜ୍ରପାତ ଏଇ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇଗଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବଜ୍ରାଘାତ ଯେପରି ହେଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେପରି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବରଣ ନହେ ଭକ୍ତ ଗଣେର କ୍ରନ୍ଦନ ହୈଲ କ୍ରନ୍ଦନମୟ ପ୍ରଭୁର ଭବନ ଯେ ଭକ୍ତ ଆଇସେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ଭାରତରେ ସେଇ ଆସି ଡୁବେ ମହା ବିରହ ସାଗରେ କାନ୍ଦେ ସବ ଭକ୍ତଗଣ ଭୂମିତେ ପଡ଼ିଆ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିତେ ପ୍ରଭୁ ଗେଲେ ନ ଚଲିଆ ଅନାଥେର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଗେଲେ ନ ଚଲିଆ ଆମା ସବେ ବିରହ ସମୁଦ୍ରେ ଫେଲାଇଆ କାନ୍ଦେ ସବ ଭକ୍ତ ଗଣ ହଇଆ ଅଚେତନ କାନ୍ଦେ ସବ ଭକ୍ତ ଗଣ ହଇଆ ଚେତନ ହରି ହରି ବୋଲି ଉଚ୍ଚେ ସ୍ୱରେ ହରି ହରି ବୋଲି ଉଚ୍ଚେ ସ୍ୱରେ ହରି ହରି ବୋଲି ଉଚ୍ଚେ ସ୍ୱରେ କିବା ମୋର ଧନ ଜନ କିବା ମୋର ଜୀବନ ଓ କିବା ମୋର ଧନ ଜନ କିବା ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଗଲା ସବାକାରେ ହରି ହରି ବୋଲି ଉଚ୍ଚେ ସ୍ୱରେ ମାଥାୟ ଦିଆ ହାତ ବୁକେ ମାରେ ନିର୍ଘାତ ମାଥା ତାୟ ଦିଆ ହାତ ହରି ହରି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ହରି ହରି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିତେ ଗେଲା ଆମା ସବା ନା ବୋଲିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିତେ ଗେଲା
ओ संन्यास करिते गेला आमा सोबा ना बोलिला संन्यास करिते कांदे भक्त धूलाय धूसर धूसर कांदे भक्त धूलाय धूसर कांदे भक्त धूलाय धूसर प्रभुर अंगने पड़ी कांदे मुकुंद मोरारी 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 श्रीधर गदाधर गंगा दास श्रीधर गदाधर गंगा दास श्रीधर गदाधर गंगा दास श्रीवासेर गण जत आर कांदे अबिरत श्रीवासेर गण जत आर कांदे अबिरत श्री आचार्य कांदे हरिदास श्री आचार्य कांदे हरिदास श्री आचार्य कांदे हरिदास सुनिया क्रंदन रब नदियार लोक सब सुनिया क्रंदन रब नदियार लोक देखिते आई से सब धैया सब धैया देखिते आई से सब धैया ना देखी प्रभुर मुख सबे पाय महाशोक ना देखी प्रभु मुख सबे पाय महाशोक ना देखी प्रभुर मुख सबे पाय महाशोक कांदे सब माथे हाथ दिया कांदे सब हाथे कांदे सब माथे हाथ दिया नदियार जत भक्त तार कांदे अबिरत नदियार जत भक्त ओ नागरिया जत भक्त तारा कांदे अबिरत नागरिया जत भक्त बाल वृद्ध नाही को विचार बाल वृद्ध नाही को विचार कांदे सब त्रिपुरुषे पाषंडी गण हासे कांदे सब त्रिपुरुषे
पासंडी गण हसे निमाही रे ना देखी मु आर निमाई रे ना देखी मु आर कांदे सब भक्त गण होइया अचेतन हरि हरि बोली उच्चे स्वरे हरि हरि কত ক্ষণে ভক্তগণ হই কিছু শান্ত সচি দেবী বেড়ি সব বসিলা মহান্ত কত ক্ষণে সর্বনব দ্বীপে হইল ধ্বনি সন্ন্যাস করিতে চলিলে ন দ্বিজমণি শুনে সর্বলোকের লাগিল চমৎকার ভাইয়া আইলা সর্ব লোক নদী আর আসি সর্বলোক দেখে প্রভুর বাড়িতে শূন্য বাড়ি সবে লাগি আছে ন কান্দিতে তখন সে হায় হায় করে সর্বলোক পরম নিন্দক পাষণ্ডীয় পায়সক যেতবে সমস্ত মা তো কান্দুলে সচিমাতা শ্রীবাস পণ্ডিত আসি সিয়ে বি মূর্ছা গলে কান্দিলে অদ্বৈত আচার্য আসলে সিয়ে বি মূর্ছা পলাই গেলে কান্দিলে যেতে সময় এই ক্রন্দন শুনে বহু লোক দৌড়ি আসলে কন হেলা বলি যেতবে শুনিলে যে নিমাই সন্ন্যাসী নিয়েছেন সমস্তে ক্রন্দন করছেন এপরিকি পাষণ্ডী মানে মধ্যে বলে হায় হায় আমি এপরি জনে মহাপুরুষকে চিনি পারলে না সে আমার আমি সন্ন্যাসী চালিগলে আমি কেতে তাঙ্কু নিন্দা করলে এপরি সেমানে মধ্যে পশ্চাৎতাপ করিয়া পাই লাগিলে কেহ বলে ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নগরিয়া গণ আর না দেখিব তার শ্রীচন্দ বদন কেহ বল চল ঘরে দ্বারে অগ্নি দিয়া কানে পশি কুণ্ডল চলিব যোগী হইয়া যদি নিমাই যদি সন্ন্যাস হইগলা আমি এ গাঁ রই কন হব চাল আম ঘরে আমি নিয়া লগাই দেবা আউ এ গাঁ উজুড়ি যাও এ ঘর উজুড়ি যাও আমি সমস্তে বনকু যদি আমার প্রভু যদি সন্ন্যাস হইগলে বনকু পলাইলে আমি ঘরে কাই রহবা আমি বি সন্ন্যাস হইযা কই সমস্তে মধ্য ইয়া স্থির কলে হেন প্রভু নবদীপ ছাই যখন আছে আমা সবার জীবন বলে হারে বিধাতা আম জীবনটা পলাই যাওনি কাই যেতলে আমি শুনিলে যে আমার প্রভু নিমাই যেতলে সন্ন্যাসী নিয়ে গেলে কো সুখ পাই বলে আমি নবদীপ রে অছন্তি কিবা স্ত্রী কি স্ত্রী কি স্ত্রী পুরুষ যে শুনিল নদী আর সবই বিষাদ বই না ভাব এ আর প্রভু সে জান এ যারে তরিব সে মতে সর্বজীব উদ্ধার করিব হেন মতে নিন্দা দেশ আদি যার মনেতে আছিল প্রভুর বিরহ সর্ব পাষণ্ডে দংশিল সর্বজীব নাথ গৌর চন্দ্র জয় জয় ভালো রঙে সবয় সবে উদ্ধারিল দয়াময় যেতে সমস্ত নদীয়ার নিমাইক প্রতি বা মহাপ্রভুঙ্ প্রতি যে হিংসা থিলা দেশ থিলা সে সমস্তে আজি আউ সে হিংসা দেশ ভুলি যাই কলে নিমাই কেতে বড় বিরাট মহান লোক নুয়ে সে আজি সন্ন্যাস হইগলা কই সমস্তে তাঙ্ক বিরহরে কান্দিব লাগিলে মহাপ্রভুঙ্কর গুণকু স্মরণ করি করি সেমান যে কান্দিলে সেমানকর পূর্বর পাপ জাত সব নষ্ট হইগলা আউ সেমানকর উদ্ধার হইগলা যিয়ে কান্দিলা মহাপ্রভুঙ্ক পাই বলি সে তার সর্বজীবনাথ গৌর চন্দ্র জয় জয় ভালো রঙে সবে উদ্ধারিলে দয়াময় শুন শুন আরে ভাই প্রভুর সন্ন্যাস যে কথা শুনিলে কর্ম বন্ধ যায় নাশ গঙ্গা পার হইয়া শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দর সেই দিনে আইলে ন কণ্টক নগর যারে যারে আজ্ঞা প্রভু পূর্বে করেছিলা তাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা শ্রী অবধূত চন্দ্র গদাধর মুকুন্দ শ্রীচন্দ্র শেখর আচার্য আর ব্রহ্মানন্দ আইলেন প্রভু যথা কেশব ভারতী মত্তসিংহ প্রায় প্রিয় বর্গের সহতি অদ্ভুত দেহের জ্যোতি দেখিয়া তাহান উঠিলেন কেশব ভারতী পুণ্যবান
दंड प्रणाम करिया प्रभु ताने कर जोड़ कर स्तुति करे न आपने अनुग्रह तुमी मोरे कर महाशय पतित पावन तुमी महाकृपामय तुमी से दिवारे पार कृष्ण प्राणनाथ निरवधि कृष्ण चंद्र बसे तुम्हार कृष्ण दास बिनु मोर नह किछु आन हेन उपदेश तुमी मोरे देह दान प्रेम जले अंग भाष्य प्रभुर कहिते हुंकार करि आसे से लागिला नाचिते महाप्रभु आसी काटुआ बर्तमान जाकु कंटक नगर जहाँ थी ता ना हूँ बर्तमान काटुआ से काटुआ आसी पहुँचले सेठी जन सन्यासी रहुथिले तांग ना हूँ केशव भारती से केशव भारती जेतल पाखरे महाप्रभु पहुँचले महाप्रभुंकर शरीर एते तेज एते से तेजियान देखा जाउथिले से गोटे विराट सन्यासी थिले मध्य से आसन छिड़ा है तांकु सम्मान महाप्रभु प्रणाम कले महाप्रभु आसिछन्ति शिष्य हापाई बोली किंतु महाप्रभु तो भगवान सी तांकर तेज को देखी सी आसन छिड़ा है सम्मान देले तापरे महाप्रभु दंड प्रणाम दंडवत प्रणाम कले आउ करि स्तुति कले महाप्रभु कहले अनुग्रह अनुग्रह तुम्हें मोरे कर महाशय कहले हे केशव भारत जी हे सन्यास जी मत आप अनुग्रह करतु पतित पावन तुम महाकृपामय आप पतित मान को उद्धार करमय मत कृपा करतु तुम्हें से दिवारे पार कृष्ण प्राणनाथ निरवधि कृष्णचंद्र बसए तुम तुम्हें कृष्ण को दे पार तुम हृदय निरंतर कृष्ण अच्छा मु कृष्ण को पायापी मु तुम शरणापन्न हो दीक्षा दि ये कहते पुणी मुकुंद गान करा लगे महाप्रभु नाचिया लगे बड़ कष्ट देखिया प्रभुर रूप परम सुंदर अर्बुद अर्बुद लोक सुनि से क्षण आसिया मिलिला नाही जानी कथा हने देखिया प्रभुर रूप परम सुंदर एक दृष्टि पान सबे कर निरंतर से काटुआ मत विराट सहर थिला बहु लोक जनबसी जिते शुणिले कीर्तन सब शुणिले सब देखा आसिले बोले कौन है घटना देखा आसला सब शुणिले मानने निमाई पंडित नदियारू आस मस्तक मुंडन ही सन्यासी ने एक दृष्टि पान सबे कर महाप्रभु एत सुंदर रूप समस्ते गोटे दृष्टि महाप्रभु रूप को पान कर देखुना कौन कर पान कर अति निरीक्षण कर देख अकथ अकथ्य अद्भुत धारा प्रभुर नयने ताहाना कहिते पारे अनंत वदने पाक दिया नृत्य करिते जे छुटे जल ताहाते लोकस्थान करिल सकल आ महाप्रभु नृत्य कला समय आखिर जो माने अश्रु निर्गत होची तथे पाइप रे पानी जपरी पड़े मोटर लगे पाइप पानी जपरी पानी पड़े ना ठीक से महाप्रभु आखिर पूरा छुटुची पानी पूरा लोक समस्ते स्नान करिगले महाप्रभुंकर से प्रेम जल रे सर्वलोक तितिल प्रभुर प्रेम जले स्त्री पुरुष बाल वृद्धे हरि हरि बोले स्त्री पुरुष बालक वृद्ध समस्त जमा होती समस्ते केवल गोटे शब्द कहते हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल क्षण कंप क्षण स्वेद क्षण मूर्छा जाए आछाड़ देखिते सर्व लोके पाय भय अनंत ब्रह्मांड नाथ निज दास्य भावे दंते तृण करी सभा स्थाने दास्य मागे आज अनंत ब्रह्मांड रे नाथ समस्त जी पति समस्त जी स्वामी समस्त जी मालिक आज से समस्त कहते समस्त भक्त मान प्रार्थना कर मत दास्य रूप से ग्रहण कर मत दास रूप से ग्रहण कर मत दास्य भक्ति प्रदान कर कही दात तृण धरी प्रणाम कर अनंत ब्रह्मांड नाथ निज दास्य भावे दंते तृण करी सभा स्थाने दास्य मागे से कारुण्य देखिया कांद ए सर्वलोक संन्यास सुनिया सबे भावे महाशोक के मने धरिव प्राण इहार जननी आदि ताने पोहाइल कि काल रजनी समस्ते कहले एते सुंदर ये लोक आंक माँ ये सन्यासी ने किपर जीवन धारण करी के मने धरिव प्राण इहार जननी आदि ताने पोहाइल काल रजनी वास्तव में एपरी पुत्र प्राप्त हवा महा सौभाग्य आपरी पुत्र प्राप्त हो पुणी से पुत्र सन्यासी जीवा ये हूँ महा दुख कोन पुण्यवती है न पाइले क निधि कोन बा दारुण दोषे हरिले क विधि आमा सभाकार प्राण विदरे सुनिते भार्जावा जननी प्राण धरिब के मते बोले आर स्त्री जदि थिबो से किपर जीवन धारण करिव आ मा किपर जीवन धारण करिव आमे तो सुनु सुनु एपरी माने दुखित हो छु एई मत नारी गण दुख भावी कांदे पड़ी कांदे सर्व जीव चैतन्य रो फांदे क्षणेक संबरी नृत्य वैश्य विश्वम्बर
बसिले न चतुर्दिके सब अनुचर देखिया प्रभुर भक्ति केशव भारती आनंद सागर मग्न हई करे स्तुति जे भक्ति तुमार आमी देखिल नयने ए शक्ति अन्यर नहे ईश्वर रविने तुम्हें से जगत गुरु जानिल निश्चय तुमार गुरुर योग्य यह कहू नय तबे तुम लोक शिक्षा निमित्त कारण करिबा आमारे गुरु हेनलय मने केशव भारती कहले तुमर जो मु भक्ति देखुची तुमर जो देहर तेज मु देखुची तुम्हें कौन साधारण व्यक्ति नुह तुम्हें भगवत अंश आमे तुम्हें कार शिष्य हव तुम्हें केवल जगत को शिक्षा देवाई बोली समस्त गुरु ग्रहण करने आवश्यक अच्छी जगत को शिक्षा देवाई बोली तुम्हें गुरु ग्रहण करने चाहू प्रभु बोले माया मोरे नाकर प्रकाश ध्यान दीक्षा देह जेन हौ कृष्ण दास महाप्रभु कथा बुले देले कहले कि तुम मत माया कर तुम एपर भंडे दियो ना मत दीक्षा दब ना बोली मत दीक्षा दि मत एपरी दीक्षा दि मुझेपरी कृष्ण दास ही पारि यही मत कृष्ण कथा आनंद प्रसंगे बंचिले न से निशा ठाकुर सवार संगे एपरी भाव से दिन मान महाप्रभु आटुआ चल चाली आसाई कीर्तन है महाप्रभु विश्राम पर दिन महाप्रभु सन्यास ने सन्यास नेला समय नित्यांत प्रभु कामुंच गदाधर पंडित कामुंच पांच जन आार जन आ महाप्रभु कही किए किए चंद्रशेखर आचार्य मुकुंद गदाधर पंडित आ ब्रह्मानंद चार जन आने महाप्रभुरा विरह दश यो मस्तक मुंडन आन्यास लीला को मानते सही नपारी मूर्छा पड़ा किसी कर गाँव रोटे भंडारी डाकिले जे जी क्षीर मुंडन कर ना थी मधु नापित बंगाली नापित कह भंडारी मधु नापित आसते से मधु नापित मान ये सुंदर महाप्रभु केश को सी संस्कार किपर करेंगे मुंडन किपर करेंगे क्षूर जा न था सी बारंबार से मुंडन करने जा मूर्छाई होता किए मूर्छा होता से बारिक मूर्छा हो जापर भाव संध्या होगा सब हजार हजार लोक जमा होती समस्ते कादुंच नित्यांत किसी करवस्था सी मूर्छा पड़ुंच गदाधर पंडित मूर्छा पड़ुंच किए कि महाप्रभु कादुंच एवं से बारिक को अनुरोध कर बाप तुम मत मुंडन करे शेष बड़ कष्ट सकाल ठू सी कादुंच कांध्या मुंडन करने बारिक मधुनापित को आए सन्यासी मधुनापित ये जो भंडारी सी घर भी गलानी कहले मत कहीं जो जन्म मत मिलला ये भंडारी कूल बारिक जन्म मत कहीं मिलला जे मुझे आज प्रभु को मु मस्तक मुंडन करदेली कहि मुझे कम करी ना गोटे मंदिर अच्छी आज काटुआ जी से गोटे मंदिर अच्छी सी मत सहर छाड़देले आल रहीपर महाप्रभु सन्यास ने सन्यास मुंडन है गंगा स्नान कले केशव भारती पाक आठ दीक्षा ने दीक्षा नाला केशव भारती ना रखिले श्रीकृष्ण चैतन्य ना रखिले महाप्रभु सन्यास ना केशव भारती कहले मुझे तुम साथ महाप्रभु साथ केशव भारती भक्त मान वृंदावन जी बोली बाहर आसंता काली आम से सब श्रवण कर महाप्रभुरा जा जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय गौर हरि।